अभी हम लोग यहाँ से निकलने वाले गाइस, तो देखते हैं। तो हम लोगों का ऐसा प्लान है कि हम लोग यहाँ से निकलेंगे, साइकिल तो बना नहीं पाए, यहाँ से लिप मांगेंगे। लिप मांग कर अगर नहीं मिला तो पैदल चले जाएंगे। लिप मिला तो अच्छी बात है। तो इसी प्रकार हम लोग आज का ब्लॉग ये ऐसे करेंगे। उपाय नहीं है हमारा अभी, तो क्या कर सकते हैं, ऐसे में सफ़र तो करना ही पड़ेगा। तो हट्टी खाली यहीं पे रुके थे हम लोग, हट्टी खाली। तो यहाँ पे रेलवे स्टेशन भी सामने ही है, देखो पूरा चक्का जो है पूरा पंचर है। तो ऐसे में पूरा सामान तो है ही, तो ऐसे में बहुत ही दिक्कत है गाइस। यहाँ पे गाड़ी मिलना भी बहुत ही मुश्किल है, गाड़ी बहुत मुश्किल से आता है, जो पैसेंजर गाड़ी है, जो जो कैरियर गाड़ी है वो तो आ जाता है, लेकिन जो पैसेंजर गाड़ी है वो आता नहीं है। ये गाइस कब से गाड़ी का वेट कर रहे हैं। ये मेरा साइकिल है, ये साइकिल के नाम पे पूरा कलंक है। तो फाइनली गाइस गाड़ी मिल गया है, लेकिन ये भाई लोग मदद क्या है, गाड़ी को बुलाया है तभी हम लोग जा पा रहे हैं। तो पूरा लोडिंग कर रहा है हमारे साइकिल ऊपर में, ये देखो गाइस पूरा। कोई जान पहचान भी नहीं थे ना, इसलिए वो समस्या था। वीकली मार्केट ठीक है, अभी कोई नहीं जा रहे, अभी वहाँ पे देखेंगे। काफी सुना है उसके बारे में, और पिछले बार भी क्लास में वो साइकिल में है, साइकिल में रहिए। हाँ हाँ, यहाँ पे काफी अच्छा लगता है, वो जो यहाँ का सराउंडिंग है बहुत बढ़िया, पहाड़ और जरा अच्छा हवा आता है। हाँ, गाड़ी में पूरा लूट काम है, इसलिए यहाँ पे एडजस्ट करके जाना पड़ेगा, बड़ी मुश्किल से जाना पड़ेगा। वहाँ साइकिल अच्छे से बांध दिया कि नहीं देख लेते हैं। आप लोग भी हफलोंग जा रहे हैं? मायगांव। अच्छा, देखो गाइस यहाँ पे एक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, खतरनाक तरीके से हुआ है, यहाँ पे लोग फंसे हैं। अब बोला कहीं जरूर ना जी हो, हम लोग भी यही पे आने वाले थे, बाल बाल बच्चे भी। देखो गाइस यहाँ का व्यू किस प्रकार का है, वाओ। तो गाइस अभी हम लोग के पास ही है, हम लोग तो दिखाते हैं आप सभी को हम लोग के नज़ारा। स्टीम मत करना, इतना शोर जैसा नज़ारा है यहाँ का, देख के हैरान हो जाओगे यहाँ का। ओहो भाई स्वर्ग आ गया, देखो वाओ क्या नज़ारा है, पापे क्या नज़ारा, जिंदगी में मैंने कभी नहीं देखा है, बस एकदम स्वर्ग है, स्वर्ग पैराडाइज हेवन।
देखो गाइस उधर का क्लाउड किस प्रकार का है, पूरा सफेद है। वाओ क्या नजारा है, लोग ऐसे ऐसे जगह में रहते हैं स्वर्ग में। काश हम भी ऐसी जगह में जन्म होते इसी स्वर्ग में। देखने से देखते रहने का मन करता है, बस खूबसूरत है यहाँ का नज़ारा। वाओ घर भी खतरनाक बनाया भी है। एक करके सब उतर रहा है गाइस, हमारा कब आएगा, मुझे भी देखने का मन हो रहा है बाहर में किस प्रकार का खूबसूरती होगा। वहाँ गाइस फाइनली हम लोग पहुँचे हैं, तो इस साइकिल उतारेंगे उसके बाद बाजार में चलेंगे। हमारा साइकिल जो है पंचर हुआ है, उसको थोड़ा ठीक करेंगे। पूरा पैराडाइज है यहाँ पे स्वर्ग। तो गाइस यहाँ से मेरा साइकिल का जो बोल्ट्यू का गिर गया है वो ले रहा हूँ। आप लोग के मार्केट में हूँ अभी फिलहाल, बहुत ही मज़ा आ रहा है, बहुत ही अच्छा वातावरण है यहाँ का, बहुत ही इम्प्रेसिव वाला। पूरा 118 किलोमीटर आने के बाद आप लोग में मिल रहा है साइकिल का दुकान। आप लोगों का दुकान तो गाइस कितना ब्यूटीफुल व्यू है यहाँ से आप लोगों का, दे सकता हूँ ना आप लोग ये भी रहते हो गाइस। हाँ बहुत अच्छा व्यू है आप लोगों का, शहर जो है बहुत ही बढ़िया है, एकदम स्वर्ग है स्वर्ग। ब्रो आपका नाम क्या है? संजू। संजू, तो संजू जी मिलके अच्छा लगा। और आप अरुणाचल ही है इसलिए पता नहीं है ना। देखिए गाइस पूरा के पूरा डाउन में जाना पड़ रहा है। अरे पैदल चलाना तो दूर, पैदल भी नहीं जा पा रहे यार, इतना मुश्किल है। ये देखो पूरा पहाड़ है नीचे, देखो सुमन पूरा डाउन में है। अरे यार आराम से नहीं गया तो दिक्कत की बात हो जाएगी। अरे इतना डेंजर रोड है यहाँ का, देखो तो सब में ये डाउन है। जाना पड़ा
Let's go. Nice. Yes, yes. Hello, guys. What's up? Hello. Hello, guys. Purtile bachche hai. Down to aa gaya, lekin aapke chase karenge pura aap hai ye. Abhi hamara kya hoga? देखो गाइस, सीधे आया था वो पार से आए थे, वो दिख रहा टावर उधर से आए थे, पूरा मार्केट मार्केट का व्यू है ये। ये पूरा का पूरा आप है, बहुत ही मुश्किल हो रहा है चलाने में, तो मेरा पैर अभी पूरा पेन कर रहा है, दर्द कर रहा है। Excuse me, sister. Is there any playground? Like, what's that? Is there any playground? Yeah? Oh. Oh. Wow. What a viewpoint. इतना बड़ा पहाड़ चढ़ के आया, थोड़ा सा सांस लेते हैं, थोड़ा अच्छा लग रहा है। बाप रे, पूरा पसीना आ गया था। यहाँ पे पूरा मस्त है। हेवन हेवन हेवन। ऐसे नजारा देखने से जितना भी मेहनत करो कुछ नहीं लगता, एक बार में ये खत्म कर देता। तो रहने का व्यवस्था अगर ढूंढ रहे हैं लेकिन कोई बता नहीं रहे, मालूम नहीं हो रहा है कहाँ पे रहेंगे यार। पूछ रहे लेकिन किसी को पता नहीं। हम लोग ढूंढ रहे थे रहने के लिए, एक तो है कम्युनिटी हॉल या प्लेग्राउंड ऐसे वगैरह ढूंढ रहे थे रहने के लिए, लेकिन यहाँ पे अभी तक नहीं मिल रहा। देखते हैं आगे क्या होता है, बने रहिए पूरे वीडियो में। क्या हम लोगों को आज रात में ऐसे रहने का व्यवस्था मिलेगा तो देखते हैं। अब पैदल जाना पड़ रहा है, अब चला नहीं पा रहे हैं ना। ऐसा छोटा सा पहनने लायक जगह मिल जाता है स्पेस। जितना खूबसूरत जगह उससे बढ़कर एक खतरनाक जगह है, संभल के जाना पड़ता है, संभल के ट्रैवलिंग साइकिल चलाना पड़ रहा है। देख रहे हो गाइस, खूबसूरत तो भर भर के हैं लेकिन खतरनाक उससे भी ज़्यादा है खतरनाक। कैसे लैंडस्लाइड हुआ देख रहे हो हम। ये देखो गाइस, पूरा जमीन खा गया, ये पूरा सोयल इरोजन हुआ था। और ये देखो बाप रे, व्यू इतना बढ़िया है।
वो देखो गाइस नीचे में रेलवे स्टेशन है। सुमन इधर मस्त है, लाइव दे रहा है, देखो इतना ब्यूटीफुल नजारा में दे रहा है वो। Manjala, and what's your name? Ciao. Okay. आप लोग खासी हो ना आंटी? गारो? नहीं, जेमी। ओ जेमी मतलब वो कौन सा ये में आता है? नागा? अच्छा अच्छा ठीक है, मेरे क्या अच्छा लगा। आपका जो व्यू है बहुत ही सुंदर है, आप लोग बहुत ही सुंदर जगह में रहते हैं। तो भाई सभी यहाँ पे रहने के लिए देख रहा है, यहाँ पे जो है पार्क है मेमोरियल पार्क, इसमें देख रहा है इसमें हम लोग कैंपिंग कर पाएंगे कि नहीं पूछने जा रहे हैं। फिर देखो यहाँ से व्यू पॉइंट, वाह, और आगे जाके और भी अच्छा सुंदर वाला दिखने को मिलेगा। वाह, पूरा एकदम खुला लग रहा है यार। देखो गाइस नीचे का पूरा एकदम टॉप पे है गाइस, इतना हवा आ रहा है, बढ़िया बढ़िया। वाह, पूरा व्यू पॉइंट है, देखो वो वहां से व्यू पॉइंट दिखता है, लेकिन हम उससे ऊपर है। देखो गाइस पूरा व्यू पॉइंट, लोग देखने आ रहे हैं पूरा। वाओ, सुमन भी इधर है, इतना बढ़िया जगह है। और यहाँ पे वेटिंग सीट वगैरह दिख रहा है, यहाँ पे अगर मिलता है बहुत ही बढ़िया होगा हमारे लिए, क्योंकि बहुत ही सुंदर है ये पूरा वातावरण। देखो यहाँ से पूरा व्यू पॉइंट दिखता है, वाओ। ये थोड़ा सा छोटे सा पार्क है, ये फिर रहना पड़ेगा हमें। कैंपिंग करने के लिए इससे बढ़िया जगह नहीं दिखेगा इस मैंने अभी तक, तो यहाँ पे कैंपिंग करने का मन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई दिख नहीं रहा है, यहाँ शायद खाली जगह है। वाह गाइस, पूरा एकदम कोई शब्द नहीं है, ऐसे जगह है ये गाइस। देखो इस तरफ भी पूरा एकदम सुंदर है और इस तरफ भी एकदम सुंदर है। वाह, किस तरफ यार, देखे यार सब तरफ देखने को, आगे देखने को भी मन कर रहा है। और वो देखो क्लाउडी, वाओ जम गया गाइस, मान लिया, देखो पूरा क्लाउड। वाओ, वो देखो वो रहा पूरा क्लाउड, पूरा दिखता है यहाँ से मेघ, देखो वाओ, हैव अ व्यू पॉइंट। तो ये सर ने हमें मदद किया कि यहाँ पे रह सकते कि नहीं, तो सर ने परमिशन दिया है हमें, बहुत ही अच्छा लगा कि ऐसा सपोर्ट कर रहे हैं हमें, ना जान ना पहचान ऐसे में इतना सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे, तो बहुत ही अच्छा लगा। सर आपका थोड़ा बताएंगे अब कैसा लगा? हम बहुत, हम लोग टूरिस्ट के लिए दिमाग, हम लोग का CM से लेके EM से लेके बहुत टूरिस्ट के लिए बहुत खुशी है। हम लोग टूरिस्ट जितना दिमाग में आएगा हम लोग का हार्दिक स्वागत है हम लोग की तरफ से, और हम बिलोंग खेलमा से करता है, तो आप लोग आया बहुत अच्छा लगा। हम लोग दिमाग में कहीं भी दिमाग में आए कोई भी टूरिस्ट आप लोग के लिए वेलकम है जी। थैंक यू सर, थैंक यू। तो आज हम लोग यहीं पे रुकेंगे, यहीं पे थोड़ी देर बाद हमारा कैंपिंग करेंगे, टेंट लगाएंगे और बढ़िया से यहाँ पे नाइट गुजारेंगे। तो हमारा साइकिल अभी उठाएंगे, यहाँ पे नीचे रखे है हमारा साइकिल, अपने पूरा दौड़ दौड़ के जाना पड़ रहा है गाइस। ये देख दोस्तों, क्या बताएं कितना मजा आ रहा है यार।
चलो गाइस साइकिल को उठाते हैं और मजे लीजिए आप भी। पूरा एकदम पहाड़ में हम लोग आज टेंट कैंपिंग करने वाले हैं। आज पहली बार ऐसे होने जा रहा है और काफी अलग सा एक्सपीरियंस लेने वाले हैं। तो गाइस आज मैं इतना खुश हूँ, 1K सब्सक्राइब होने के बाद भी मैं इतना खुश नहीं था, आज इतना खुश हूँ क्योंकि यही व्यू पॉइंट के वजह से मैं इतना खुश हूँ। यहाँ पे इतना प्रेस हवा आ रहा है और नजारा भी बहुत ही बढ़िया है, वाओ बयान नहीं कर सकता गाइस, इतना खुश हूँ भाई। बला ये तो बताओ कि मैं क्या बताऊँ, समझ में नहीं आ रहा है। आज मैं इतना खुश हूँ कि मैं पूरा डिप्रेशन में था, क्यों बताए, इतना पसीना निकल गया, मेरा धूप पूरा धूप तो थोड़ा कम था पर जो इधर में हिलियर है ज्यादा है तो उसका वजह से पूरा पसीना निकल गया। आज इधर में व्यू पॉइंट में आके मेरे को पता नहीं क्या मेरा धूप कहाँ गया, मेरा कहाँ गायब हो गया, पूरा रिलैक्स करके इतना मजा, हवा स्वर किधर है मालूम है, मजे से हम लोग बड़ा मजा आ रहा है, क्या बताए यार दोस्त लोग। आज इधर में आज कैंपिंग करने वाला है और साथ ही आप लोग देख सकते हैं कैसे कैंपिंग करता है। चलो गाइस इसे कहते हैं जिंदगी, जिंदगी में अरे घर में रह के क्या कर लोगे यार, जिंदगी में तो मजे ना मजे है ना क्या है ना कुछ कर पाया यार, तो बाद में दुख ही दुख रहता है। लेकिन हम हमारे जिंदगी में अलग करने जा रहे हैं और हमारे साथ अभी आप लोग घर में बैठे हो वही बोरिंग काम कर रहे हो, हम सभी आप सभी को एक अलग सा फील देने के लिए हम लोग ये वीडियो बनाते हैं, तो इसीलिए आप लोग वीडियो में पूरा तरह बने रहना है। तो गाइस कैंपिंग के लिए तैयारी कर रहा हूँ, एक लोकल झाड़ू तोड़ के लाया हूँ और ये साफ करना है, पूरा गंदा है। तो ये है हमारा होगा, तो टेंट में ये जरूरी होता है, देखो ये है स्टिक और ये कुछ ये भी स्टिक है, ये पिन है, ये नीचे मिट्टी में लगाने के लिए ये है। का वीडियो बस यही तक, तो अभी रात हो चुका है, हमारे पास लाइट वगैरह नहीं है, तो खाना हम लोग कैसे खाना बनाएंगे आपको वो नहीं दिखा सकते क्योंकि हमें अंधेरा है पूरा, हम लोगों के पास लाइट नहीं है, अभी पूरा ठंडा लग रहा है बाप रे, इसलिए अंदर अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, सब लोग हैप्पी रहिए, मस्त रहिए और सपोर्ट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि मैं और यूट्यूब में सक्सेस हो पाऊँ, मोनेटाइजेशन हो जाए मेरा यूट्यूब में।